और अब देखो भाई, नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्या नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, मैंने वहां पर आपको इसको हल्का फुल्का बताया था। अगर आप मान लिया जो बाउंड्री ऑफ द बॉक्स है वो आप हटा दो, अगर मान लिया आपने जो वॉल ऑफ द बॉक्स है वो आपने हटा दी, जैसे ये वाली वॉल है भाई, ये आपने और ये आपने हटा दी, तो बाउंड्री कंडीशंस भाई एप्लीकेबल नहीं रहेंगी ना, बाउंड्री कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगी भाई, और पार्टिकल भाई किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद भाई ये कंडीशन ही होगी कि बी की वैल्यू ये होनी चाहिए, ए की वैल्यू ये होनी चाहिए, बात आपको पहले पड़ रही है इजंट इट। और उसका मतलब क्या है कि पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है अगर बॉक्स की बाउंड्रीज ना होंगी, तो उसकी एनर्जी कैसे बदल सकती है कॉन्टिन्यूअसली, समझ गए बात। तो याद रखिए, वॉल ऑफ द बॉक्स बढ़ाने पर या मास बहुत ज्यादा होने पर, भाई बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, तो पार्टिकल एक तरह से क्या हो जाता है बताओ भाई, बताओ उसके एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अभी बताओ क्या है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ओके।